नमस्कार, मैं हूँ आरजे राजू। दोस्तों, आज के दौर में रिश्ते फटाफट बनते हैं 2 मिनट में। कोई बुरी बात नहीं है भाई, सबके पास समय की कमी है और कहा भी गया है टाइम इज मनी। तो इस दौलत को सही जगह पर सही समय पर जो खर्च करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं जिंदगी में। लेकिन ये सक्सेस हर जगह मिले ये जरूरी नहीं है। ये जाना सुमित और अमिता ने, दोनों कपल्स थे मतलब। अभी आप जान जाएंगे, पहले पूरी बात तो सुनिए। उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वो मिले थे कॉलेज फेस्ट, ड्रामा कंपटीशन था और दोनों अपने अपने कॉलेज की तरफ से उसमें पार्टिसिपेंट बन के पहुंचे थे। कांटे की टक्कर थी, एकाएक उनमें बहस का सिलसिला शुरू हुआ। बहस की वजह भी थी, बैक स्टेज में प्रॉप्स के लिए जगह बनाने की बात पर। जब अमिता ने सुमित से अपने प्रॉप्स खिसकाने को कहा, तब उसने अमिता की बात सुने बिना ही फोन पर बातें शुरू कर दी। अमिता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, वो इधर उधर देख ही रही थी तभी अमिता के दोस्तों ने देख लिया और वो सुमित को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े। पर जाने क्या सोचकर अमिता ने उन्हें रोक दिया और अपने प्रॉप्स कम जगह में ही रख लिए। फिर भी वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद जब सुमित की बात खत्म हुई तो अमिता ने कहा उसे कि उसे शायद तमीज ही नहीं है, इस तरह फोन पर बात करके वो अपना स्टाइल झाड़ना चाहता है। पर इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ है और अमिता उसे लूजर समझ रही है। सुमित ने कहा उसका नंबर पहले आएगा जबकि अमिता की बारी उससे कहीं बाद में आएगी, तब तक बैकस्टेज खाली हो जाएगा और अमिता चाहे तो पूरी फौज को वहां खड़ा कर सकती है। ये कहते हुए सुमित मुस्कुराया तो अमिता को लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने घूर कर सुमित को देखा और दांत पीसते हुए बोली, बेकार ही तुम्हें बचाया, अभी मेरे फ्रेंड्स तुम्हारी खबर लेते तो ये बदतमीजी दिखाने के लायक नहीं रहते। सुमित ने अपनी सफाई देने की कोशिश की पर अमिता ने उसकी एक नहीं सुनी और पांव पटकते हुए वहां से चली गई। सुमित ने अपने आप से कहा, तो खैर मिर्ची है पर बला की सुंदर है ये बला। उस कंपटीशन में अमिता के कॉलेज को फर्स्ट और सुमित के कॉलेज को सेकेंड प्राइज मिला। ऑब्वियसली सुमित उसे कॉन्ग्रेट्स कहने गया। इस पर अमिता ने उसकी चुटकी ली, सब कर लिया पर हमसे जीत नहीं पाए। इस बात पर दोनों हंस पड़े। अब उन दोनों की अगली मुलाकात भी कुछ ऐसी ही सूरत में हुई। जहांगीर आर्ट गैलरी थी जहां पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन थी। वहां पर अमिता अपने सीनियर के साथ मौजूद थी क्योंकि ये उसी की एग्जीबिशन थी। तभी उसने सुमित को अपने एक दोस्त के साथ देखा, बातचीत हुई, पता लगा कि अमिता का दोस्त विनय सुमित को भी जानता है और उसी ने उसे यहाँ बुलाया है। उस दिन दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, चाय भी हुई और उसके बाद जब अमिता जाने लगी तो सुमित ने उसका नंबर मांगा। उसने कहा कि वो भी आर्ट में इंटरेस्टेड है और अगर कभी इस तरह की कोई इवेंट होगी तो वो अमिता को बता दिया करेगा। लिहाजा अमिता ने अपना नंबर सुमित को दे दिया। इसके बाद अमिता और सुमित ने कई बार फोन पर बातें की। शहर में अक्सर आर्ट एग्जीबिशंस लगती थी, कल्चरल फंक्शंस होते थे, दोनों साथ साथ जाते थे। और सुमित तो पहले से ही अमिता पर फिदा था। धीरे धीरे उसने जाना उसके नेचर के बारे में, उसकी सीरियस लेकिन बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक जो एक एटीट्यूड था उसके बारे में, और वो बाकायदा उसका एडमायरर बन गया। वो अक्सर ये बात कह भी लेता था। अमिता अपनी तारीफ सुनती थी तो कुछ कहती नहीं थी लेकिन उसके चेहरे से लगता था कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन अमिता ने बातों बातों में सुमित से कह दिया कि उसे ये अच्छा नहीं लगता। तब सुमित ने खुलकर अपने दिल का हाल बयान कर दिया कि वो अमिता को बहुत पसंद करता है लेकिन अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो अब वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वाकई सुमित ने उस दिन के बाद अमिता की कभी तारीफ नहीं की पर उसकी आंखें बता देती थी कि अमिता की हर बात उसे कितनी अच्छी लगती है। अमिता तो ये देख ही लेती थी और वो मन ही मन में मुस्कुरा देती थी। फिर आया कॉलेज का आखिरी साल। अमिता ने अपनी प्रॉम नाइट में सुमित को बुलाया। सुमित ने काफी तैयारियां की, उसने अपना 3 पीस भी निकाल लिया। पर जब वो वहां पहुंचा तब पार्टी शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी। अमिता तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सुमित उसे देखता रहा, सब डांस कर रहे थे। उसने भी अमिता के पास जाकर डांस करने के लिए कहा। अमिता ने डांस किया पर उसके देर से आने से वो कुछ
अपसेट सी लग रही थी। सुमित ने माफी मांगी और उसे गार्डन में चलने के लिए कहा, क्योंकि वहां म्यूजिक का शोर था, दूसरी बातें थी, इसकी वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। अमिता और सुमित जब गार्डन में पहुंचे तो चांद खिला हुआ था। सुमित ने अमिता की बांह पकड़कर उसे बेंच पर बिठाया, अपनी जेब से अंगूठी निकाली और अमिता के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, क्या जिंदगी भर मेरे साथ रहना पसंद करोगी? अमिता पहले तो हड़बड़ा गई, फिर उसने सुमित से कहा कि अभी इन सब बातों के लिए काफी वक्त है, अभी तो दोनों को अपना करियर बनाना है। सुमित ने ये बात सुनी तो कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अच्छा होगा अगर वो ये अंगूठी पहन। अमिता ने उसके हाथ से अंगूठी ली और पहन। खैर, कॉलेज खत्म हुआ, अमिता ने अपने लिए काम ढूंढना शुरू किया। वो रोज इंटरव्यूज देती थी। सुमित तब तक सीए बन चुका था, उसका अपना ऑफिस खुल गया था। आखिरकार अमिता की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अच्छे मार्क्स को देखते हुए उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी मिल गई। एक दिन सुमित ने अमिता को फोन किया कि उन्हें मिले हुए काफी दिन हो गए, आज तो पिक्चर चलना चाहिए। अमिता ने कहा कि आज उसका बहुत खास प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसे थोड़ी सी देर हो जाएगी। सुमित ने कहा, कोई बात नहीं, वो उसे ऑफिस से ही ले लेगा और घर छोड़ देगा, पिक्चर ना सही, दोनों कुछ वक्त तो साथ गुजार ही लेंगे। अमिता राजी हो गई। उस शाम प्रेजेंटेशन के बाद अमिता ने ऑफिस की कार वापस भेज दी, क्योंकि उसे सुमित के साथ जाना था। इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई, तब अमिता ने सुमित को फोन किया। उसने कहा कि वो ट्रैफिक में फंस गया है, बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अमिता वहां खड़ी रही, ऑफिस बंद हो रहा था, सभी लोग जा रहे थे और अमिता को बड़ा एम्बेरसिंग लग रहा था। सुमित के 5 मिनट कहीं जाकर 1 घंटे में पूरे हुए। जब वो आया तो कॉरिडोर सुनसान पड़ा था और अमिता अकेली खड़ी थी। सुमित ने ट्रैफिक को जी भर के कोसा और उसे बार बार माफी मांगी। खैर, अमिता के कुछ ना बोलने पर उसने पूछा कि क्या वो वॉशरूम यूज कर सकता है। अमिता ने उसे रास्ता बता दिया। सुमित ने अपना सामान कॉरिडोर में ही एक मेज पर रखना चाहा तो उसके पेपर्स गिरने लगे। अमिता ने कहा कि वो सुमित का सामान संभाल देगी, वो जल्दी से वॉशरूम होकर आए। सुमित चला गया। अमिता ने उसके पेपर संभाले और लैपटॉप वाले बैग में रखने लगी तो देखा लैपटॉप ऑन था। उसने लॉग ऑफ करने के लिए लैपटॉप निकाला तो सुमित का टाइप किया हुआ एक ड्राफ्ट खुल गया। अमिता ने देखा वो ड्राफ्ट सुमित के आने के 10 मिनट पहले ही टाइप किया गया था। अमिता को बड़ी हैरानी हुई कि ट्रैफिक में फंसे सुमित ने वो ड्राफ्ट कैसे टाइप कर लिया। अमिता ने चुपचाप लैपटॉप बंद करके रख दिया, उसे सुमित से कुछ नहीं पूछा। वो उसे घर तक छोड़ने गया। रास्ते में उसने कहा कि अब वो लोग ज्यादा नहीं मिल पाते, इसलिए सुमित रोज अमिता के ऑफिस के बाद उसे घर तक छोड़ने जाएगा। अमिता ने पहले मना किया, लेकिन सुमित बार बार कहने लगा तो उसने कहा ठीक है। बस तब से ये नियम बन गया, वो ऑफिस खत्म होने के बाद सुमित के साथ घर जाती। हालांकि इसके लिए अब उसे देर भी हो जाती, क्योंकि सुमित कभी समय से नहीं आता था। वो जब फोन करती तो कभी मीटिंग, तो कभी ट्रैफिक, कोई ना कोई बात बताता। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी हुआ, पर सुमित हमेशा माफी मांग लेता था और अपनी गलती ना दोहराने की कसम खा लेता था और बात खत्म हो जाती। अमिता देखती कि जब कभी ऑफिस के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुकते तो सुमित का कॉल आता, और हर बार वो यही कहता कि वो ट्रैफिक में है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अमिता ने सुमित को कई बार आड़े हाथों लिया था, लेकिन सुमित हमेशा यही कह देता था, देर से ही सही, लेकिन हर जगह पहुंच तो जाता हूं। अमिता कहती कि अगर सुमित की कोई अर्जेंट मीटिंग है तो उसे पहले से बात करके अमिता के साथ प्रोग्राम सेट करना चाहिए, वो लोग किसी और दिन भी मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो लोग रोज रोज मिले। पर सुमित कहता कि उसे अमिता से मिले बिना चैन नहीं आता है, और हमेशा ये कन्फेस करता कि अब से वो कभी भी देर नहीं करेगा। इस बीच अमिता का बर्थडे आया। सुबह उसे सुमित का बर्थडे मैसेज मिला, दोपहर को एक मेल आया जिसमें सुमित ने उसे सरप्राइज देने के लिए एक पार्क के पास बुलवाया था। शाम होने से पहले सुमित के 2 मैसेजेस और 1 मेल और आ गया।
हर मैसेज और मेल का वही मजमून होता था कि एक बार अमिता वहां पर पहुंच जाए बस फिर देखना, उसकी ये बर्थडे सबसे शानदार बर्थडे होने वाली है। खैर अमिता ने घर पर फोन करके बता दिया कि उसे आने में थोड़ी देर होगी। वो ऑफिस से सीधा वहीं पर पहुंची। शाम हो चुकी थी। वो जानती थी कि आदत के मुताबिक सुमित कुछ देर तो करेगा ही, इसलिए वो एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सुमित को कई बार फोन किया पर उसका फोन नहीं लग रहा था। इस बीच अमिता ने देखा कि उसके अलावा वहां या तो जोड़े थे या कि फिर राउडी लड़के। अमिता को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने सोचा चलो कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वो लड़के बार बार उसी की तरफ देखते हैं, इशारा करते हैं, हंसते हैं। अमिता ने फिर सुमित को फोन किया तो सुमित ने माफी मांगते हुए कहा कि वो एक जरूरी काम में फंस गया है, सिर्फ आधे घंटे और लगेंगे। इस पर अमिता ने उसे पूरी बात बताई। सुमित ने कहा वो फौरन आ रहा है। इस बीच अमिता के इर्द गिर्द उन लड़कों ने मंडराना शुरू कर दिया। घबराई हुई अमिता उठकर सड़क पर आ गई। तभी पुलिस की एक वैन उधर से गुजरी। अमिता को अकेले खड़ी देखकर उन्होंने उसका गलत मतलब निकाला और उसे थाने चलने के लिए कहने लगे। अमिता उस दिन अपना आई कार्ड भी ऑफिस में छोड़ आई थी। वो सफाई देते देते थक गई, पर पुलिस वाले उन लड़कों को देखकर और भी ज्यादा शक में आ गए थे। अमिता का घबराहट के मारे बुरा हाल था। उसने अपने घर फोन मिलाया। अमिता का फोन आते ही उसके बड़े भाई और उसके फादर दोनों निकल पड़े और तब तक पुलिस वाले अमिता को लेकर थाने पहुंच गए थे। अमिता के घर वालों से मिलकर पुलिस वालों को ये तो यकीन आ गया कि उन्होंने अमिता को गलत समझा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अमिता को काफी डांटा और उसके पिता और भाई को भी समझाया कि इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। बहुत इंसल्टिंग फील करते हुए घर वालों के साथ अमिता घर लौट आई। अपनी बर्थडे के इतने खतरनाक सबक ने जैसे उसके मुंह से जबान छीन ली थी। बड़े भाई उससे बात नहीं कर रहे थे। फादर ने उस रात खाना ही नहीं खाया। उस रात अमिता के साथ ही उसका पूरा घर जागता रहा। अगली सुबह अमिता उठी, उसने सबसे माफी मांगी। बड़े भैया ने उसे प्यार किया और फादर भी उसको काफी देर तक समझाते रहे। उस दिन अमिता ऑफिस नहीं गई। सुमित की कई कॉल्स आई, मैसेजेस आए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो ऑफिस गई तब सुमित रोज की तरह शाम को उसे लेने आया और पहले की तरह उससे माफी मांगने लगा। पर अमिता ने उसकी अंगूठी लौटाते हुए कहा बस अब और नहीं, तुम जिंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हो और इस दौड़ में रिश्तों को अपने साथ घसीटना चाहते हो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। हमारी शादी हो भी गई तो सिवाय इंतजार और बहानों के हम दोनों एक दूसरे को कभी कुछ नहीं दे पाएंगे। मैं इस मिराज में और भटकना नहीं चाहती, प्लीज मुझसे दोबारा मत मिलना। सुमित ने चुपचाप अंगूठी उठा ली और अमिता के ऑफिस से बाहर निकल गया। इतने समय का एक रिलेशन हमेशा के लिए टूट गया। समय की इंपॉर्टेंस बताते आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगली बार ऐसी ही किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। बाय बाय।